नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परीक्षा प्लस में। मैं हूं आलोक शुक्ला और आपके लिए लेके आया हूं आज का यानी कि 17 मार्च का करंट अफेयर्स। इसमें हम आज यानी 17 मार्च को हुए यानी कि एक दिन पिछले, क्योंकि 17 मार्च आज हम करा रहे हैं तो 16 मार्च के हुए घटे हुए सारे उन समसामयिक मुद्दों की बात करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। साथ ही हम इस पे बेस्ड क्विज करेंगे या कुछ ऐसे बोलिए कि हम उन प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने जा रहा है, क्योंकि ये वही प्रश्न सेलेक्ट किए जाते हैं जो अति संभावित होते हैं आपके परीक्षा के लिए। तो बहुत ज़्यादा देर न करते हुए हम आज के इस टॉपिक की, इस सेशन की यानी 17 मार्च के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पुश कर लें ताकि परीक्षा प्लस द्वारा जब भी कोई भी बहुत ही उपयोगी वीडियो आपके लिए दिया जाए, पब्लिश किया जाए, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप उससे दूर ना रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या है आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले अगर हम देखें, बात करें, तो पहली खबर जो है वो है सिंचौंजी क्या है। सिंचौंजी के बारे में यहाँ पे हम थोड़ी जानकारी लेते हैं क्योंकि ये आजकल खबर में रह रहा है। तो देखते हैं कि आखिर सिंचौंजी है क्या। सिंचौंजी की बात करें तो ये दक्षिण कोरिया ने चीन के बाहर तीसरे सबसे अधिक संख्या में कोरोना वायरस के मामले में दर्ज किए हैं, है ना। जो दक्षिण कोरिया है, अभी कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो दक्षिण कोरिया में चीन के बाद अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया ही है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस की ऐसा बोला जाए मुद्दे सामने आए हैं। तो कोरिया इस बात के लिए, कुछ वहाँ पे ऐसे समुदाय हैं जो मान नहीं रहे हैं कि ये कोरोना वायरस है, क्यों नहीं मान रहे हैं कि उनके उनके साथ कुछ धर्म की बातें जुड़ी हुई हैं। तो ये मेन क्या है, इसका रिलेशन क्या है, इस चीज़ को देखते हैं। तो जीसस का ऐसा समझे कि चर्च, या ऐसा समझे सिंचौंजी एक समुदाय है। ये एक समुदाय है दक्षिणी कोरिया में स्थापित ईसाई धार्मिक आंदोलन के तहत, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी, ठीक है। तो यहाँ के लोग ये बोल रहे हैं कि भाई जो कोरोना वायरस हुआ है वो हमारे धर्म से रिलेटेड है, हमने हमारे कुछ ईसा मसीह या जीसस से रिलेटेड ऐसी चीज़ है जिसके कारण ये रोग आया है, कोरोना वायरस वगैरह कुछ नहीं है। और इससे रिलेटेड जब वहाँ पर जाँच एजेंसियाँ गईं कि यहाँ पर इसका परीक्षण किया जाए तो वो साफ साफ मना कर दिए हैं, इसी कारण ये बहुत ही ज़्यादा इस समय मुद्दे पर है। तो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन यहाँ से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्योंकि चर्चा में है तो जो इंपॉर्टेंट हो गया है वो है सिंचौंजी क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है यहाँ पे। तो एक बार अगर आपके सामने प्रश्न आता है तो ध्यान रखिए कि इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और एक ये धार्मिक आंदोलन है जो ईसाई समुदाय से रिलेशन रखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या कह रहा है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2020, 15 मार्च के हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। बहुत पहले आप लोग अभी भी टीवी पे कॉमर्शियल देखते होंगे, जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता के अधिकार को जागरूक करने के लिए ये एक अभियान है। तो ये कब से हुआ इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या है इसमें। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस दुनिया भर के देशों द्वारा मानवाधिकारों पर सम्मेलन आयोजित करके उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न तरीकों पर चर्चा आयोजित करके मनाया जाता है। और देखिए ये तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय लेवल पर इंडिया में, भारत में बात करें तो 24 दिसंबर को यहाँ पर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न ये भी बन सकता है कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है या विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो वो हमारा उत्तर वहाँ पे 15 मार्च होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका उत्तर 15 मार्च ना होके 24 दिसंबर होगा, क्योंकि भारत में उपभोक्ता दिवस जो होता है वो हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नई खबर पे आते हैं, अगला खबर क्या है, यूपी सरकार ने राज्य में कौशल विकास के लिए शुरू की 3 योजनाएँ। यहाँ की सरकार जो है वो कौशल विकास के लिए 3 योजनाएं शुरू की हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं, वो एक है कौशल सतरंग, दूसरा है युवा हब और तीसरा है शिक्षुकता योजना। इसके साथ ही जो यूपी सरकार है वो स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में सूचित करते हुए आरोग्य मित्र भी एक योजना की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट
क्या है हमारा टॉपिक, कह रहे हैं बिल गेट्स ने दिया माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड से इस्तीफा। बिल गेट्स ने, ये बहुत बड़ी खबर है, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से इस्तीफा दे दिया है। क्यों इस्तीफा दे दिए हैं, आखिर ऐसा कारण क्या है? तो देखिए, सभी लोग जानते हैं कि जो बिल गेट्स हैं वो बहुत बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट हैं। ये स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा रुचि रखते हैं जलवायु परिवर्तन के लिए, तो इसीलिए वैश्विक स्वास्थ्य, विकास, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन में अब अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा देने के लिए, या ऐसा समझिए अपनी फिलेंथ्रोपी को और एक ऊंचाई देने के लिए, इन्होंने अब बोल रहे हैं कि हमें समय ज़्यादा चाहिए, जिसके चलते इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से इस्तीफा दे दिया है। यही नहीं, ये वॉरेन बफेट के बर्कशायर हैथवे इंक के बोर्ड में भी शामिल थे, वहाँ से भी ये इस्तीफा दे दिए हैं। इस बोर्ड से ये 2004 से ही शामिल थे। तो आइए हम बिल गेट्स के बारे में कुछ और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं, जहां से प्रश्न बन जाता है, क्योंकि टीसीएस जैसी परीक्षा अक्सर ऐसे प्रश्न की खोज में रहती है जहाँ पे बच्चे अक्सर परेशान होते हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी जो थे, अधिकारी सीईओ इस समय सत्य नडेला हैं, और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की बात करें तो 4 अप्रैल 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी, और इस समय प्रेजेंट में इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन संयुक्त राज्य यूएस में है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्या है। मणिपुर सरकार ने खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए योजनाओं की घोषणा की है। मणिपुर की जो सरकार है वो राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगियों जो कहीं भाग लिए हैं राष्ट्रीय लेवल पे या राज्य लेवल पे, ऐसे कोई कलाकार हैं या खिलाड़ी हैं, उनके लिए योजना का घोषणा की है, उनके हित में की है। ये अभी जो सरकार है मणिपुर में वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ये एन बीरेन सिंह हैं। ध्यान में रखिए, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, कहाँ के, मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, एन बीरेन सिंह हैं, इन्होंने ये घोषणा की है। तो यहाँ से प्रश्न सीधा ये भी बन सकता है कि अभी हाल ही में कौन सा राज्य खिलाड़ियों को लेके या कलाकारों को लेके उनके राज्य राष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रतियोगी हैं उनके लिए योजना लाई है, तो वो कौन है? मणिपुर सरकार है, मणिपुर राज्य है, और यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में पूछ सकता है, तो उसका उत्तर होगा बीरेन सिंह। इस योजनाओं के नाम जो हैं, अगर हम करें तो मुख्यमंत्री अखानबा सनाई रोसिंग जी तोंगबोंग तोंगबांग नाम से है, या इसे ऐसे बोल सकते हैं CMAST, या और जो दूसरी योजना है मुख्यमंत्री आर्टिस्ट सिंह जी तेंगबांग या CMAT। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस अवसर पर कहा है कि योजनाएं राज्य के सैकड़ों खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए लाभकारी होंगी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट खबर बढ़ते हैं। नेक्स्ट खबर जो है वो रोपैक्स सेवा के बारे में है। रोपैक्स सेवा क्या है? रोरो फेरी सेवा आप लोग जानते होंगे, तो रोपैक्स सेवा आप लोग जान जाओगे। रोरो फेरी इसका फुल फॉर्म ही होता है रोल इन रोल आउट। ये ऐसा समझिए कि ऐसा शिप जैसा होता है, तो उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स जो होते हैं, बहुत सारे कार वगैरह या गाड़ियाँ वगैरह भी इसके सहायता से ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। तो केंद्रीय नौवाहन मंत्री ने महाराष्ट्र में भाउचा धक्का, कौन? केंद्रीय नौवाहन मंत्री ने महाराष्ट्र में भाउचा धक्का, मुंबई से मांडवा अलीबाग तक रोपैक्स सेवा का उद्घाटन किया है। मुंबई में हुआ है, मुंबई से मांडवा के लिए कहा, महाराष्ट्र में भाउचा धक्का में। रोपैक्स सेवा एक जल परिवहन सेवा परियोजना है जो पूर्वी जलमार्ग विकास के तहत है। अगर हम रोपैक्स वेसल की बात करें तो ये M2 और M1 एक बार में 200 कार और 1000 यात्रियों को ले जा सकेगा। चलिए नेक्स्ट खबर पे आते हैं कि देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र के बारे में। अशोक चक्र आप सभी लोग जानते होंगे भाई, हमारे जो झंडा है उसमें भी अशोक चक्र होता ही है। तो दो भाई सिद्धार्थ, डॉक्टर सत्यदीप नील गौरी के प्रयासों से अब यह देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र स्थापित हो गया। कहाँ पे? हरियाणा के यमुनानगर में देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र स्थापित हुआ है, और इसी के साथ ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज कर लिया है 2020 के। इससे जुड़े अगर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक इसी जिले में है ना, गांव जो था टोपरा गांव था, यहां से अशोक स्तंभ उखाड़ ले गए थे। तो अगर आपसे कई बार हिस्ट्री से ही क्वेश्चन बन जाता है कि कौन उखाड़ लेके गया था, तो कौन था वो? भाई फिरोज शाह तुगलक थे। दूसरा ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट कि सम्राट अशोक ने करीबन 2500 साल पहले अशोक चक्र व स्तंभ स्थापित किया था, यहीं पे स्थापित किया था, इसी को फिरोज शाह तुगलक उखाड़ लेके चले गए थे। और सभी लोग जानते हैं कि चक्र जो है हमारा वो राष्ट्रीय चिन्ह है। चलिए नेक्स्ट खबर पे आते हैं, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के बारे में देखते हैं।
डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन ने पहली बार ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है और 21 साल बाद डेनमार्क का कोई खिलाड़ी चैंपियन बना है इसके साथ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इससे पहले पीटर गेट जो थे 1999 में इस चैंपियनशिप को जीते थे, तब उन्होंने इंडोनेशिया के तौफिक हिदायत को हराया था। चलिए इसके साथ ही नेक्स्ट खबर पे आते हैं। भारत को ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में मिला दूसरा स्थान। ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स अभी ये हाल ही में जारी इंडेक्स है और इंडेक्स से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सारे परीक्षाओं में बनते हैं, वो चाहे UP SSSC हो, चाहे UPPCS का प्री हो, या और UPPSC के आयोग का कुछ हो परीक्षा, या कोई भी परीक्षा हो वनडे लेवल का या सिविल लेवल पर, इंडेक्स से क्वेश्चन अछूता नहीं रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान देना ये कौन सा इंडेक्स है, ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, दूसरी रैंकिंग है। देखिए इस रैंकिंग में क्या होता है, ग्रेड ए से जी तक मिलता है, जिसे ग्रेड ए मिलता है वो बहुत टॉप का होता है, ऐसे समझिए वो एनिमल प्रोटेक्शन बहुत ही ज्यादा ध्यान देता है जानवरों के बारे में, उनके हर चीज के बारे में, और जी जिन्हें मिलता है वो निम्न कैटेगरी के होते हैं। यह इंडेक्स अंतरराष्ट्रीय पशु कल्याण चैरिटी वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन है ना, किसके द्वारा किया जाता है, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन चैरिटी द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है, या इसे API भी बोलते हैं। और इसका जो उद्देश्य है वो देश ऐसे देश जो अच्छा कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए होता है, ताकि वो पशु कल्याण के नीति और कानून में उपयोगी साबित हो सकें। अगर हम इसके महत्वपूर्ण तथ्य पे जाएं तो वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन की स्थापना जो हुई थी वो 1981 में हुई थी, और वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन का जो मुख्यालय है वो लंदन के यूनाइटेड किंगडम, यानी यूनाइटेड किंगडम में लंदन में है। वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन के अध्यक्ष जो हैं वो पॉल बाल्डविन हैं। चलिए नए खबर पे आते हैं, नेक्स्ट खबर पे, वेरिली क्या है। तो यहाँ पे वेरिली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लेता है वेरिली के बारे में। अब यहाँ पे खबर आ गया है तो पूछेगा जरूर, वेरिली किसी न किसी एग्जाम में आपको मिलेगा, यहाँ पे हमें ध्यान दे लेना है ताकि अगर एग्जाम में ऐसा आए तो हमारा छूटे ना। है क्या इसके बारे में, हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस महामारी इस समय पूरे विश्व में फैली हुई है, और इससे निपटने के लिए उपाय जगह जगह से सोचे जा रहे हैं। तो इसी एक उपाय में अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि गूगल सरकार को एक वेबसाइट बनाने की मदद कर रही है, और यह इससे निर्धारित होगा कि इस मामले में परीक्षण जरूरी है, और यह पास के सुविधाजनक स्थान पर परीक्षण की सुविधा प्रदान करने में मदद करेगा। वेरिली ऐसा समझिए कि गूगल द्वारा एक वेबसाइट तैयार किया जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ से हमें कोरोना वायरस कहाँ पे है और उसकी सुविधा मतलब कहाँ पे व्यापक है और उसको क्या सुविधा प्रदान की जा सकती है, उसके लिए जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं या और भी कोई चीज़ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। और वेरिली गूगल की अगर हम बात करें वेरिली, तो ये गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट की एक सहायक कंपनी है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वेरिली क्या है, तो अगर वहाँ पे दिया होगा तो ऑप्शन में जरूर देगा कि अल्फाबेट की सहायक कंपनी, तो वहाँ पे हम उसका उत्तर चुन लेंगे, अल्फाबेट की सहायक कंपनी। ध्यान रखिए अल्फाबेट क्या है, गूगल की सहायक कंपनी है, ठीक है ना, और इसी का एक वो है वेरिली। तो यह अल्फाबेट इंक का अनुसंधान संगठन है जो जीवन विज्ञान के अध्ययन के लिए समर्पित है। वेरिली जो है वो जीवन विज्ञान के अध्ययन के लिए समर्पित है। चलिए हम लास्ट में देख लेते हैं कि भारतीय इतिहास में या विश्व इतिहास में बोले 17 मार्च का दिन कितना उपयोगी था। तो हम सबसे पहले देखें तो 1969 में गोल्डा मेयर जो थी इजराइल की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ये इंपॉर्टेंट खबर है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पूछ सकता है कि इजराइल की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो ध्यान रखिएगा कि गोल्डा मेयर है, स्टैटिक नॉलेज यहाँ से आपका बूस्ट होता चला जाएगा। गोल्डा मेयर जो थी इजराइल की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। 1994 में ही रूस द्वारा नाटो की शांति सहयोग योजना में शामिल होने का निर्णय लिया गया था, आज ही के दिन। 17 मार्च को ही उत्तर प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री रहे हेमवंती नंदन बहुगुणा का निधन हो गया था, और 2004 में नासा के मैसेंजर बुध ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना था। तो इसके साथ ही ये आज का जो 17 मार्च का था करंट अफेयर्स का, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिया है, लेकिन अभी आप जाइए मत, एक मिनट और दीजिए, क्योंकि अभी हम जो पढ़े हैं उस पे बेस्ड हम क्विज करेंगे, और क्विज में हम देखेंगे कि आखिर हम कितना सीरियस होकर पढ़ते हैं, कितना हम बूस्ट करते हैं अपना नॉलेज और कितना गेन करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम सीधा क्विज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने प्रश्न है, रूपैक्स सेवा निम्नलिखित में से
किस मंत्रालय की एक पहल है। तो अभी अभी आपने देखा है, पढ़ा भी है, मैंने बताया भी है कि जहाजरानी मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया है रोपैक्स। रोपैक्स क्या है? रोल इन रोल आउट सेवा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खबरों में देखा गया वेरिली क्या है? अभी अभी जस्ट बात कर रहे थे वेरिली क्या है, तो गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट की ये सहायक कंपनी है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? हाल ही में खबरों में दिख रहे सिंचोंजी क्या है? सिंचोंजी क्या है भाई? दक्षिणी कोरिया का एक नया ईसाई धार्मिक आंदोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए किसकी बात किया है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात किया है, कंफ्यूज मत होइएगा। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत को ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? दूसरा मिला है, एक सी कैटेगरी में रखा गया है, न्यूजीलैंड के साथ साथ में। अभी फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? आप भी साथ साथ तो चूज करते जाइए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, विक्टर एक्सेलसन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? भाई अभी ये किए हैं ना, योजना लाए हैं किसके लिए? कलाकारों के लिए, राष्ट्र और जो वहाँ पे कलाकार हैं या खिलाड़ी हैं, कहाँ के हैं? मणिपुर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 में हुई थी। स्टैटिक डेटा है, मैंने आपको बताया भी, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है यमुनानगर हरियाणा में, है ना? फिरोज शाह तुगलक यहीं से उखाड़ लेके चले गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए कितनी महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं? तो कितनी की हैं? 3 शुरुआत की हैं। इसी के साथ हमारा ये करंट अफेयर्स का आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोग ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुश बटन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और इसके साथ साथ आप लाइक भी कर दिया करिए और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। तो फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ करंट अफेयर्स के, तब तक के लिए धन्यवाद।